नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पूरे परिवार के साथ कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी संक्रमित हो गए हैं। ललन सिंह ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। मुंगेर से लोकसभा सदस्य ललन सिंह ने कहा है कि उन्होंने कोरोना की जाँच कराई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्होंने अब खुद को आइसोलेट कर लिया है। आज बाढ़ में कई कार्यक्रम में शामिल हुए ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मंगलवार को बाढ़ में नगर पालिका के 191वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान मुंगेर सांसद के साथ कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार समेत जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसकी जानकारी देने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो उनके संपर्क में आया है वो लोग अपना जांच करा ले। इससे पहले जेडीयू ऑफिस से 5 लोग में कोरोना के लक्षणों की पुष्टि होने के बाद तत्काल है। इसे देखते हुए तत्काल जेडीयू कार्यालय को बंद करा दिया गया था। इसके साथ ही जेडीयू कार्यालय से संबंधित सभी कर्मचारी की कोरोना जांच कराने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और HAM सुप्रीमो जीतन राम मांझी, उनकी पत्नी, बेटी, बहू, उनका बॉडीगार्ड PA समेत पूरा परिवार संक्रमित हो गए हैं। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1385 हो गई है। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 727,873 पहुंच गया है। इसमें 714,391 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, जबकि 12,096 लोगों की इससे मौत हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।